उत्तर प्रदेश जिला शामली में एसपी शामली के पक्ष में उतरे आमजन राष्ट्रपति को भेजा संबोधित ज्ञापन। जो बदमाश है उनका मोहर लगा लगा के जेल में डाल दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये साहब आए हमारे कप्तान साहब पूरा अमन है, बहुत अमन है। पुलिस प्रशासन जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम सबकी मांग ये है कि जब पुलिस प्रशासन जिस लेन से चल रहा है इसी लेन से चले जावे। हमारे कप्तान साहब जहाँ इतने दिन रहे और थोड़े दिन यहाँ रहेंगे तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे इस इलाके में और अमन होगा और सुकून होगा। धरना प्रदर्शन हो रहा है सर, क्या मामला है सर? शामली जिले में कलेक्ट्रेट में कुछ पत्रकार साथियों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। इसमें उनके द्वारा अभद्र भाषा में नारेबाजी भी की जा रही है। इस मामले का संज्ञान लिया गया, मौके पर जा करके उनकी मांगों को सुना गया। जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा साथ ही में एडिशनल एसपी एडीएम सभी लोग वहां मौजूद रहे। उनकी मुख्यतः दो मांगें जानकारी में आई हैं। एक तो थाना कांधला के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करने की उनकी मांग थी। दूसरी मांग थी एक अमित शर्मा पत्रकार के का प्रकरण जीआरपी के क्षेत्र में हुआ था, उनकी विवेचना। उनका कहना है कि इसमें लूट और अपहरण की धारा बढ़ाई जाए। इन दोनों मामलों में मुझे यही कहना है कि इंस्पेक्टर कांधला को हटाने की और लगाने की प्रक्रिया डीजीपी महोदय के सर्कुलर द्वारा आच्छादित है और उसी के तहत उनकी पोस्टिंग की गई है। उनको हटाने की प्रक्रिया में भी जांच कराने का प्राविधान है और मेरे द्वारा एडिशनल एसपी जो कि मेरे बाद सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा जाँच कराई गई। तो जांच में आरोप कोई पाए नहीं गए। जो भी आरोप लगाए गए थे वो निराधार और बेबुनियाद साबित हुए, जिस कारण से उनको हटाया नहीं जा सका। दूसरा मामला यह है कि अमित शर्मा पत्रकार जो News24 के हैं उनका एक मामला आया था 11 जून का जो जीआरपी के क्षेत्र में था। उसमें मार पिटाई इत्यादि का मामला सभी ने की जानकारी में है। ये मामला आया था उसमें जीआरपी शामली में मुकदमा दर्ज हुआ था। यह शामली जनपद का तो मामला है नहीं जनपद पुलिस का, लेकिन जीआरपी का मामला था और इन्वेस्टिगेशन शामली पुलिस को मिली हुई थी। इसमें शामली पुलिस ने मामले में चार्जशीट किया हुआ है, अभियोजन स्वीकृति के लिए गया हुआ है। इसमें तीन धाराओं में पुलिस ने चार्जशीट किया हुआ है, लेकिन कुछ पत्रकार लोगों का कहना है कि इसमें लूट और अपहरण की धारा बढ़ाई जाए। पुलिस ने लूट की और अपहरण किया, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। मैंने उनको बताया कि चूंकि इन्वेस्टिगेशन में यही इतनी धाराएं बनती हैं, यदि आपको इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी है तो ये दूसरे अधिकारी से मैं इन्वेस्टिगेशन कराने को तैयार हूँ। यदि दूसरे अधिकारी से नहीं आप सहमत हैं तो इस ज़िले के बाहर भी विवेचना कराए जाने के लिए मैं उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर लूँगा। लेकिन इन सभी बातों को कुछ पत्रकार लोग बिल्कुल नकार रहे हैं, वो अपनी ज़िद पे अड़े हैं। और मेरा यही कहना है कि जो चीज़ नाजायज़ है, बेबुनियाद है, उस पे कार्रवाई करने के लिए मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। यदि कोई जायज़ बातें कहेंगे, जायज़ मांगे करेंगे तो उनकी मांग 100% पूरी की जाएगी। शामली पुलिस सदा से ही पत्रकारों का सहयोग करती आई है। सभी सम्मानित पत्रकारों का यहाँ पे आदर और सम्मान होता है, सभी का सहयोग भी होता है।